पिछले दिनों आई वॉज ड्राइविंग, मतलब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ अहमद भाई एंड यू आर वाचिंग अहमद भाई। आपका भाई AW एकदम मजे में। तो जिम मेरी जो है कंप्लीट हो चुकी है सुबह के टाइम की। पूरी जिम में इस टाइम कोई भी नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ आपका भाई सुबह के टाइम जिम कर रहा है। अपना राज है बाबू भैया, अपना राज है। टाइम हो रहा है इस टाइम 7:15। हमने जिम का टाइम थोड़ा सा चेंज किया है, रात को सर्दियाँ सुस्ती बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और जिम का कोई खास दिल भी नहीं करता, तो अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके सुबह के टाइम जिम स्टार्ट की है। आज उसका पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और कहानी ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाड़ी के टायर्स चेंज करवाने। इसके पीछे एक स्टोरी है, थोड़ा सा माहौल बना के आपको बताते हैं। तो पिछले दिनों आई वॉज ड्राइविंग, मैं नॉर्मल ही रूटीन में रोज़ाना की तरह गाड़ी की रात से बाहर निकाली और दरवाजे लॉक किए। ममूल की तरह हम अपनी मंजिल पे रवाना थे, लेकिन सडनली मुझे याद आया कि मेरे गाड़ी के पिछले टायर पे छोटा सा एक बबल निकल चुका है। अब बबल क्या है, बबल क्यों निकलता है गाड़ी में, यू कैन गूगल इट। गूगल आपको मुझसे बेहतर बता सकता है, हम तो अनपढ़ रहे, यू नो, हम तो अनपढ़। मशवरा करने के बाद अपने अब्बा जी से मशवरा करने के बाद डिसाइड ये हुआ कि सारे गाड़ी के चारों टायर चेंज करवाए जाए। सो आई वेंट टू द वर्कशॉप। चेंज ऑल टायर्स ऑफ माई कार। कहानी कुछ इस तरह थी। इसके साथ लगा कर छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा है। चेंज करवाने के बाद जो गाड़ी में स्मूथनेस है या जो स्मूथ वो चल रही है, वो सिर्फ मुझे और जो मेरी गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को पता है। अखीर इसकी एक वजह यह है कि मेरी गाड़ी में जो पहले टायर लगे हुए थे वो 165/13 के लगे हुए थे, लेकिन जो अब हमने टायर्स लगवाए हैं वो 170/13 है, 170/13 है। ये जो साइज वगैरह मैं बता रहा हूँ ये शायद उन लोगों को पता है जो गाड़ी यूज़ करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, आई थिंक यकीनन उन्हीं लोगों को पता होगा। बस ये है आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय बाय करो, बाय 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 करो, बाय बाय। कैसे कितने बाय बाय।